देखो आगे चलने से पहले स्नेल्स लॉ करते हैं। स्नेल्स लॉ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का लॉ है। इसके अकॉर्डिंगली आपको ये गिवन है कि अगर सपोज करो ये लाइट आ रही है और ये मीडियम चेंज है, तो लाइट जब एंटर करती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये मीडियम रेयरर है और ये मीडियम डेंसर है, ठीक है। तो रे ने इस नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनाया, आई, और रिफ्रैक्टेड रे ने एंगल क्या बनाया, आर। एक आई बनाया और एक आर। ये भी क्लियर है यहाँ तक? तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ आप रे की डायरेक्शन में चलें, म्यू ऑफ आर इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू डेंसर इंटू साइन ऑफ आर। तो हमने क्या किया, म्यू आर इंटू साइन ऑफ आई, म्यू डी इंटू साइन ऑफ आर। तो यहां से साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू डी डिवाइडेड बाई म्यू आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो नॉर्मली जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकेला ऐसे गिवन होता है, इसका मतलब होता है कि रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू, ऊपर कुछ लिखा नहीं, तो बाय डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है। लिखने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर माना जाता है या वैक्यूम माना जाता है। पर इस केस में क्या हुआ, ये रेशियो आ गई। ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं। इस रेशियो को कंबाइन किया जा सकता है कैसे, डी न्यूमिनेटर में है तो डी यहां पर डिनोमिनेट नीचे आ जाएगा, इसके पैर में आ जाएगा। डी न्यूमिनेटर में नीचे आएगा और आर डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा। तो इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखा जा सकता है, और इसको लिखेंगे दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डेंसर डी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम आर। इसको ऐसे रीड करेंगे, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एयर नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू आर है। क्लियर है यहां तक? ये कैसे काम आएगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम स्नेल लॉ को ऐसे याद करते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। म्यू किसका, ये नहीं देखते, तो म्यू डेंसर का देखते हैं, लेकिन बाहर कौन सा मीडियम है, रेयरर, या वो लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेम एग्जाम्पल की बात करूं, वैसे रे ऑप्टिक्स में आएगा ये सारा लिखा हुआ है उसमें। जैसे अगर मैं सेम एग्जाम्पल की बात करूं, इस बार मैं काम करता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर देता हूं। मान लो ये वाटर है और मान लो लाइट किस में आ रही है, ग्लास में। तो अब अगर मैं इसमें स्नेल्स लॉ लगाऊं, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू वाटर इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू ग्लास इंटू साइन ऑफ आर। तो यहां से साइन आई बाय साइन आर विल बी इक्वल टू म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर। तो साइन आई बाय साइन आर, बोलो इसमें क्या लिखेंगे, म्यू ग्लास ऊपर है तो ग्लास नीचे, वाटर नीचे तो वाटर ऊपर, तो क्या बोलेंगे, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है यहां तक? और कल को अगर ब्रेक करके लिखना हो तो ब्रेक करना भी आना चाहिए। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, ब्रेक करके क्या होगा, उल्टा, ग्लास नीचे है तो ग्लास ऊपर, वाटर ऊपर है तो वाटर नीचे। ठीक है यहां तक?